वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 469 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 296 रन पर ऑल आउट हो गई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को काफी लंबी बढ़त मिली, लेकिन अगर भारत की पारी की बात करें तो पहली पारी में भारत के लिए मात्र एक ही बल्लेबाज रहा जो भारतीय टीम को 296 के स्कोर तक ले जाने में सबसे ज्यादा आगे रहा, वो रहे अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे की बात करें तो इस मैच में अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम जब मुश्किल में नजर आई तब टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। अजिंक्य रहाणे ने लंबे समय के बाद भारतीय टीम में वापसी की और एक दमदार वापसी के साथ 89 रन की पारी खेली। लेकिन इस बीच अजिंक्य रहाणे जब बल्लेबाजी कर रहे थे उस दौरान पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की गेंद अजिंक्य रहाणे की उंगली पर जाकर लगी और गेंद इतनी जोरदार थी कि अजिंक्य रहाणे उस वक्त दर्द से कहराते हुए नजर आए और अजिंक्य रहाणे उस दौरान दर्द में जब नजर आए तब लगा कि वह शायद बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे और बाहर चले जाएंगे, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने फिजियो के साथ मदद ली और इसके बाद भी लगातार बल्लेबाजी करते रहे। अजिंक्य रहाणे ने इस दौरान दमदार बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी नहीं छोड़ी और भारतीय टीम को फॉल ऑन से भी बचाया। भारतीय टीम के लिए अजिंक्य रहाणे दूसरे दिन के खेल में लगातार बल्लेबाजी करते रहे, शार्दुल ठाकुर के साथ एक मजबूत साझेदारी भी की। लेकिन इन सभी के बावजूद जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बल्लेबाजी यानी कि दूसरी पारी का आगाज किया। उस वक्त अजिंक्य रहाणे फील्डिंग के दौरान नजर नहीं आए। अजिंक्य रहाणे पूरे मैच के दौरान मैदान पर नहीं उतरे। ऐसे में बड़ा सवाल हुआ कि क्या अजिंक्य रहाणे की चोट ज्यादा गंभीर है, क्या वह अब आगे बल्लेबाजी करेंगे या फिर नहीं। इस पर अजिंक्य रहाणे ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरी चोट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन इससे मेरी बल्लेबाजी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं अपनी पहली पारी की बल्लेबाजी से काफी ज्यादा खुश हूँ। अच्छा दिन हमारे लिए रहा था, हमने लक्ष्य 320-330 का रखा था, लेकिन हमने अच्छी बल्लेबाजी की, हमारे बल्लेबाजों ने योगदान दिया, हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और हमें उम्मीद है कि लगातार हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। अजिंक्य रहाणे ने उनका कैच लपकने वाले कैमरून ग्रीन के लिए कहा कि वह शानदार कैच था और वह एक शानदार फील्डर है, वाकई काबिल तारीफ है। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे ने कहा कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से पीछे ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए वक्त ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि जब चौथे दिन का खेल शुरू हो तब एक घंटे के भीतर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके अपनी पारी का आगाज करें और कम से कम टोटल हमें मिले, इस पर ही हमारी नज़रें होंगी। बहरहाल अजिंक्य रहाणे ने अपनी चोट के बावजूद भी अपने बल्लेबाजी को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि चोट भले ही कितना भी दर्द दे रही हो, लेकिन मैं भारत के लिए बल्लेबाजी करता रहूँगा। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।